फ्रेंड्स दिस टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने सिलेबस का एंड दैट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट स्ट्रक्चर मटीरियल टॉपिक का नाम है मटीरियल कॉस्टिंग करते क्या है इस टॉपिक में आपको सब समझना है कुछ चीज़ें इस टॉपिक में हमको क्या क्या कवर करना है सबसे पहले E.O.Q क्यू उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसके बाद स्टॉक लेवल फिर उसके बाद आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक फिर हाउ टू चार्ज कॉस्ट टू द कस्टमर कस्टमर को जब चार्ज करते हो तो कॉस्ट कितनी होनी चाहिए मटीरियल की ए बी सी एनालिसिस जो जनरली एक थियरी कॉन्सेप्ट है लेकिन हम लोगों ने फिर भी एक सम्व कर ही दिया है जस्ट टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट इन बेटर मै न और फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड अ स्टॉक वैल्यूएशन अब स्टॉक वैल्यूएशन के बारे में क्या ही बोले ठीक है लीफो वाला कंसेप्ट है तो बेसिकली अम्ब्रेला आपको बढ़नी है इसके बाहर का कुछ नहीं आ सकता सबसे पहले बात करते यो क्यू की वॉट इज यो क्यू एकदम सिंपल है मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज दिस इज रिविजन यू ऑलरेडी नो देखो मुझे अगर साल भर में लाख किलो मटेरियल कंज्यूम करना है स्टॉक वॉक कुछ है नहीं तो मुझे एक लाख किलो परचेस करना पड़ेगा अब एक लाख किलो में परचेस करूंगा तो डेफिनेटली एक झटके में एक लाख तो परचेस नहीं करने वाला क्योंकि एक झटके में मैंने अगर एक लाख परचेस कर लिया तो मुझे ह्यूज कैरिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी अब कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है जब मैं कोई मटेरियल ख़रीदता हूँ अगर मैं उसको यूज़ करना हूँ फ़ाइन दैट्स फेयर इनफ खरीदा पैसे दिए यूज़ कर लिया फ़िनिश गुड्स बना बेचा फिनिश गुड्स बेच के पैसे आए मेरा पैसा वसूल लेकिन मैंने मटेरियल ख़रीदा और स्टॉक में पड़ा है मतलब अभी तक फिनिश गुड्स बना नहीं है यार कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा है ऐसे का ऐसा स्टॉक में पड़ा हुआ है ऐसा आइटम मेरा पैसा ब्लॉक कर रहा है अगर मैं हज़ार रुपये किलो के हिसाब से एक किलो खरीदता हूँ तो हज़ार रुपये का माल मेरे फैक्ट्री में पड़ा हुआ है मेरे वेयर हाउस में पड़ा हुआ है तो इट इज़ नॉट गेटिंग कंज्यूम्ड हज़ार रुपये का माल अगर फैक्ट्री में पड़ा है इफ़ आई वुडेंट हैव स्पेंड थाउजेंड रुपीज़ ऑन दैट आई वुड हैव इन्वेस्टेड दैट थाउजेंड रुपीज ऑन वेरे तो मुझे वहाँ से पैसा मिलता है इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दस परसेंट रिटर्न आ रहा है मार्केट में से ये हजार रुपया मैं इन्वेस्ट करता तो मुझे सौ रुपये मिलता पूरे साल का सौ सा रुपये मिलता तो कैरिंग कॉस्ट ऑफ दैट वन के जी हैविंग अ कॉस्ट ऑफ़ थाउजेंड रुपीज़ इज़ हंड्रेड रुपीज सो ब्लॉकेज ऑफ वर्किंग कैपिटल एक चीज़ है प्लस कुछ मटेरियल को कंट्रोल टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है रेफ्रिजरेशन की जरूरत पड़ती है तो ये सब नोटंकी है ये सब नाटकें तो स्टोरेज कॉस्ट भी आएगी प्लस मटेरियल ऑप्सोल्यूट होने का भी डर रहता है इन सब को कंसॉलिडेट करने के बाद स्टोरेज कॉस्ट ब्लॉकेज ऑफ वर्किंग कैपिटल और सोलूस कॉस्ट को मर्ज करने के बाद मुझे जो फिगर मिलती है दैट इज़ कैरिंग कॉस्ट मेरे एग्जांपल के हिसाब से एक किलो मटेरियल एक किलो मटेरियल एक साल तक अगर स्टोर करना है तो बीस रुपये खर्चा आता है तो इतना तो पता चल गया मुझे कि आई एम नॉट गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर वन लाख के एट अ स्ट्रेज मैं एक साथ एक लाख के नहीं मंगाऊँगा तो मैं छोटे छोटे ऑर्डर प्लेस करूंगा जैसे मेरा प्लान है दस हजार किलो का एक ऑर्डर प्लेस कर दूं दस हजार किलो की एक ऑर्डर प्लेस कर दूंगा मैं तो दस ऑर्डर में काम हो जाएगा क्योंकि साल का रिक्वायरमेंट परचेज रिक्वायरमेंट एक लाख एक झटके में दस हजार आएगा तो साल में दस ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे कॉस्ट पर ऑर्डर इज हंड्रेड कॉस्ट पर ऑर्डर इज हंड्रेड व्हाट डज दैट मीन एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए मुझे टेलीफोन एक्सपेंसेस मेंटेनेंस इंस्पेक्शन फिर उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये सारे खर्चे करने पड़ते हैं प्लस हर एक ऑर्डर के लिए अगर मैं पोर्टर्स हायर करता हूँ मटेरियल को अनलोड करके वेराउस में लोड करने के लिए तो ये मटेरियल हैंडलिंग चार्जेस भी हर ऑर्डर के हिसाब से आएंगे हर परचेज ऑर्डर के हिसाब से आएंगे तो उन्हें भी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहा जाएगा मतलब यार एक बार ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो जेब से सौ रुपये जाता है एक किलो स्टोर करके रखता हूँ तो बीस रुपये का खर्चा है साल भर का ये सिचुएशन है अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लाख रुपए तुझे खरीदना है ना लाख रुपए तुझे खरीदना है एक झटके में तू खरीद रहा है दस हजार लाख रुपए तुझे खरीदना है एक झटके में तू खरीद रहा है दस हजार मतलब साल में दस ऑर्डर प्लेस करने पड़ेंगे सो एनुअल कंजम्पन अपॉन क्वांटिटी पर ऑर्डर विल गिव यू नंबर ऑफ ऑर्डर्स ये फॉर्मूला जनरेट करने का तरीका है रट्टा नहीं मरने का एक लाख खरीदना है दस दस हजार दस दस हजार दस दस हजार कर के लाख किलो खरीदना है दस दस हजार दस दस हजार दस दस हजार कर के तो दस ऑर्डर कर तो प्लेस करने पड़ेंगे ईच ऑर्डर कॉस्ट यू हंड्रेड तो दस ऑर्डर का खर्चा मेरा आएगा हजार लेकिन अब दस हजार किलो स्टोर करना पड़ेगा वो लॉट जो मैंने हासिल किया है वो स्टार्ट होता है दस हजार किलो से लेकिन कंजम्पन होते 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 एक दिन जीरो पे आ जाएगा आई नो बिफोर इट रीच डाउन टू द लेवल ऑफ जीरो यू विल बी प्लेसिंग ऑर्डर फॉर द फ्रेश मटेरियल नया माल आएगा वो सब मैं जानता हूँ बट ये लॉट सपोज दिस इज जे के एस वन ऑर्डर के तहत मैंने दस हजार किलो खरीदे तो जेके एस वन दस हजार से कम होते होते एक दिन जीरो पे जाने ही वाला है क्योंकि जब तक ये जीरो पे जाएगा मैं जेके एस टू मंगा लूंगा अग्रीड बट जेके एस वन तो जीरो पे जाएगा ना तो ऑन एन एवरेज यार मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा ओपनिंग स्टॉक दस हज़ार है क्लोजिंग स्टॉक जीरो है तो ऑन एन एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दस हजार प्लस जीरो अपॉन टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन टू इज फाइव थाउजेंड तो मेरी एवरेज इन्वेंट्री होगी फाइव थाउजेंड मैं पांच हजार से ज्यादा भी स्टोर कर रहा हूँ मैं पांच हजार से कम भी स्टोर कर रहा हूँ इसीलिए तो मैंने कहा एवरेज इन्वेंट्री इज फाइव थाउजेंड होल्ड करने का खर्चा बीस रुपया तो अगर मैं हजार ऑर्डरिंग कॉस्ट पर खर्च करता हूं तो लाख रुपया कैरिंग कॉस्ट पर खर्च होगा कैसे मिला क्यों क्यूँ टू एवरेज इन्वेंट्री क्यू प्लस जीरो अपॉन टू अब क्यू क्वांटिटी पर ऑर्डर प्लस जीरो अपॉन टू करने से अच्छा क्यू अपॉन्ट टू होगा ना क्यू अपॉइंट टू इंटू सी दिस इज कैरिंग कॉस्ट फार्मूला अगर आपको याद है ऐसे जनरेट होते हैं फॉर्मूला बच्चा लोग नाउ अब मुझे लगता है कि यार ये बहुत लाख रुपए का कैरिंग कॉस्ट मतलब दिस इज टू मच यार दिस इज गोइंग टू गिव मी टोटल कॉस्ट ऑफ वन लाख वन अच्छा अच्छा बहुत महंगा पड़ रहा है तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं चलो पाँच सौ पाँच सौ ही लॉट मंगा लूँ एक झटके में पाँच का लॉट मंगाता हूँ साल भर में मेरी रिक्वायरमेंट है एक लाख और अगर मैं एक लाख किलो की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अगर मैं एक लाख की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 500 500 के लॉट खरीदूं, अगर मैं एक लाख की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए 500 500 के लॉट खरीदूं तो 200 लॉट खरीदने पड़ेंगे इन टू हंड्रेड पर लॉट सौ रुपया खर्चा आएगा तो ट्वेंटी थाउजेंड विल बी द ऑर्डरिंग कॉस्ट ट्वेंटी थाउजेंड विल बी द ऑर्डरिंग कॉस्ट पाँच सौ किलो खरीदा तो पाँच सौ किलो अपॉन टू एवरेज इन्वेंट्री टू फिफ्टी इंटू ट्वेंटी टू फिफ्टी टू ट्वेंटी पाँच हजार यार टोटल कॉस्ट हो जाएगी ट्वेंटी फाइव थाउजेंड मतलब आप इतना समझते हो मैं अगर कैरिंग कॉस्ट को कम कर देता हूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है और मैं अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम कर देता हूँ तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है यार प्रॉब्लम है यार ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करूँ तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी कैरिंग कॉस्ट कम करूँ तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिसमें मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर मिनिमम हो और कॉस्ट स्ट्रक्चर मिनिमम तब होगा जब आपकी ऑर्डरिंग और कैरिंग जो इनवर्स रिलेशन में वो एक लेवल पे आ जाएगी देखो एक बात याद रखिए कैरिंग कॉस्ट है मैंने ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करना शुरू कर दिया तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने का मतलब ऑर्डर कम करो ऑर्डर कम करो ऑर्डर अगर कम कर दिए रिपीटेशन कम कर दिए तो एक झटके में मुझे ज्यादा मंगाना पड़ेगा तो कैरिंग कॉस्ट बढ़ेगी कैरिंग कॉस्ट कम करने जाऊं तो ज्यादा स्टोर नहीं करना है ज्यादा स्टोर नहीं करना है तो छोटा छोटा छोटे 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 क्वांटिटी ऑर्डर करना पड़ेगा तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स विल इंक्रीज मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ऑर्डरिंग कॉस्ट कम करने जाओगे तो कैरिंग कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी ये मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये मेरी कैरिंग कॉस्ट है ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है ये हमारी कैरिंग कॉस्ट है और हम यहाँ पे मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं

आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर मिनिमम होगा ये वो पॉइंट है जहां पे आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर मिनिमम होगा मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट जब होगा तब आपकी ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर आपकी मिनिमम होगी अब इसी को आगे अगर सॉल्व करूं थोड़ा बहुत मैथ्स अगर जानते हो तरा यह ऐसा कुछ आएगा टू एन सी इज इक्वल टू क्यू स्क्या टू एन सी अच्छा अब मैं ये जानता हूं ओ के बदले आप सी ए टर्म यूज़ करते हो सी के बदले आप सी आई वर्ड यूज़ करते हो ठीक है अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो इंस्टीट्यूट जैसा तो आपका फॉर्मूला होगा टू ए सी ए अपॉन सी आई कोई फर्क नहीं पड़ता उससे आंसर सेम रहेगा ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट सी कैरिंग कॉस्ट मेरे लिए सिंपल है मैं यही यूज़ करता हूँ यूनिवर्सली यही यूज होता है सी ए सी आई नहीं बोलोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और बोलोगे तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला फाइनल आंसर तुम लोग के मार्क्स uh, डिसाइड करेगा सो डोंट वरी अबाउट इट सो so, ये जो फार्मूला है ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद मुझे पता चलेगा ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद मुझको पता चलेगा क्या मुझको क्या पता चलेगा वो कौन सी क्वांटिटी है जिस पे कॉस्ट स्ट्रक्चर मिनिमाइज होता है चलो तो फिर करके देखते हैं टू इं टू ए इंटू ओ ओ नहीं कहना है तो सी ए का कोई फर्क नहीं पड़ता आएगा तो हंड्रेड ही अपॉन सी आए या फिर सी ट्वेंटी ओके सो टू इंटू एन्युअल परचेज इंटू हंड्रेड डिवाइडेड बाय ट्वेंटी रूट उठ जी कितने ये आएगा वन थाउजेंड केजीज तो मेरा लाल कैलकुलेशन ये कहता है मेरा लाल कैलकुलेशन ये कहता है कि अगर मैं हज़ार किलो मंगाऊँ तो मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर सबसे मिनिमम होगा क्या गारंटी है तू तो सही पढ़ाता है ठीक है एग्जाम्पल देता हूँ प्रू करके बताता हूँ एक लाख खरीदना था ना आपको साल भर में हज़ार हज़ार का लॉट अगर मारना शुरू कर दोगे तो हंड्रेड लॉट्स आपको ऑर्डर करने पड़ेंगे हर एक लॉट की कॉस्ट है हंड्रेड हर एक ऑर्डर के लिए सौ रुपये देते हो सौ ऑर्डर प्लेस करते हो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के नाम पे आपका दस हज़ार रुपया खर्च हो जाएगा एट अ टाइम यू विल बी गेटिंग थाउजेंड तो एवरेज इन्वेंट्री पाँच सौ बीस रुपया खर्चा है स्टोरेज का इसको भी अप्लाई किया तो इसका भी आंसर टेन थाउजेंड आता है मैंने बोला था ना ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम होंगे इनको जब ऐड करोगे तो आंसर कितना आ रहा है ट्वेंटी थाउजेंड अब चेक करके देखो ये काला काला आंसर जब मैं दस हज़ार किलो मंगा रहा था एक लाख एक हज़ार कॉस्ट थी जब मैंने 500 मंगाया कॉस्ट थोड़ी कम हो गई लेकिन बॉस मेरी मिनिमम कॉस्ट तो 20,000 है जो हजार किलो मंगाने के बाद ही हुई तो थाउजेंड किलो इज द क्वांटिटी दैट शुड बी ऑर्डर्ड अगेन एंड अगेन एंड 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 अगेन 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 टू मिनिमाइज द कॉस्ट स्ट्रक्चर ये ये मैं कहना चाहता हूँ दैट इज यो क्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी देख लो यार मैंने हज़ार से ज़्यादा मंगाया तो भी मेरी कॉस्ट ज्यादा है मैंने हजार से कम मंगाया तो भी मेरी कॉस्ट ज्यादा है इससे एक सीख मिलती है हमको कि एनीथिंग अदर से कम मंगाऊल मंगा मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर हमेशा ज्यादा होगा तो कॉस्ट स्ट्रक्चर को मिनिमाइज करने का एक ही तरीका है ऑर्डर एट ईओक्यू क्यू फिर भी अगर आपको सप्लायर पीछे पड़ता है सर प्लीज सर हजार हजार किलो मत खरीदो हमसे दस दस हजार खरीदो ना ये आप एक झटके में दस हजार खरीदोगे तो हमको अच्छा लगेगा क्या ये हजार हजार किलो खरीदते हो आप अब देखो माई थॉट प्रोसेस सेज इफ आई एम ऑर्डरिंग थाउजेंड के जीज एज वन लॉट

माय सप्लायर इज टेलिंग मी आप दस हज़ार खरीदो ना माय कैलकुलेशन इज हज़ार इज़ बेटर क्योंकि हज़ार पे आई एम स्पेंडिंग ट्वेंटी दस हज़ार पे आई एम स्पेंडिंग वन लाख वन सो एक लाख एक हज़ार में ज़्यादा स्पेंड कर रहा हूँ दस हज़ार मंगाने की वजह से तो मैं काम करता हूँ अभी मैं बीस हज़ार खर्च कर रहा हूँ तेरी सुन के अगर मैं दस हजार ऑर्डर करना शुरू कर दू तो मेरी कॉस्ट वन लाख वन थाउजेंड होगी तो मुझे डिस्काउंट दे दे का देखेंड माइनस ट्वेंटी कितने से बढ़ेगा मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर इफ आई शिफ्ट फ्रॉम यो क्यू कितने से बढ़ेगा मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर इफ आई शिफ्ट फ्रॉम यो क्यू मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा वन लाख वन जो अब है ट्वेंटी तो मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर अगर एक लाख एक हजार होने वाला है बॉस मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर अगर एक लाख एक हजार होने वाला है बॉस तो फिर क्या करूं मैं मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर अगर एक लाख एक हजार होने वाला है तो मैं क्या करूं मेरा कॉस्ट स्ट्रक्चर अगर एक लाख एक हजार होने वाला है तो मैं क्या करूं बीस हजार के बदले एक लाख एक हजार होगा मतलब एटी वन थाउजेंड में ज्यादा स्पेंड करूंगा तो भाई मैं एक काम करता हूं आई विल आई डोंट माइंड एक्सेप्टिंग ऑफर ऑफ टेन थाउजेंड बट गिव मी डिस्काउंट ऑफ एटी वन थाउजेंडी टेंशन क्या ले रहे हो एक लाख किलो साल भर खरीदूंगा ना तो एटी वन थाउजेंड का मुझे डिस्काउंट चाहिए एक लाख किलो पे एटी वन थाउजेंड का मुझे डिस्काउंट चाहिए एक लाख किलो पे तो पॉइंट एट वन पर के जी मेरे लिए डिस्काउंट है सौ रुपया किलो अगर रेट है मार्केट में तो नाइन्टी नाइन पॉइंट वन नाइन में लूँगा मैं आपको बात समझ में आई एक और बार बता देता हूँ ई की इज द ओनली लेवल एट विच you minimize the cost structure. EOQ is the only level at which you minimize your cost structure. You order more than EOQ, you will end up spending more. If you order less than EOQ, still you will end up spending more. You order more than EOQ, you will spend more. You order less than EOQ, you will spend more. So, it is always better to place an order for EOQ. इफ एट ऑल यू वॉन्ट टू गेट shifted from यो क्यू अमाउंट एक्सीड हो रही है द राइज इफ द कॉस्ट शुड बी आस्ट एजंट जैसा मैंने किया अगर आप चाहते हो कि मैं दस दस हजार खरीदूं तो दस दस हजार की वजह से मेरी कॉस्ट होने वाली एक लाख एक जो अभी है ट्वेंटी थाउजेंड सो ट्वेंटी थाउजेंड का एक लाख एक हजार होने वाला है तो बस एक काम करो मुझे एटी वन थाउजेंड का डिस्काउंट दो तो ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट टुगेदर विल गो अप बाय 81,000 माय बाइंग कॉस्ट विल गो डाउन बाय 81,000 माय टोटल कॉस्ट विल बी एडजस्टेड भाई तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मैं खुद थोड़ी लॉस खाऊंगा यो क्यू इज द मोस्ट इकोनॉमिक परचेज लेवल लेकिन मैं आपको एक याद दिला दू बात मैं आपको एक चीज की याद दिला देता हूं क्वेश्चन नंबर सिक्स आपने सॉल्व किया आपको याद आ रहा होगा वेन एवर देर इज अ चेंज इन द बाइंग कॉस्ट And when your carrying cost is based on some percentage of buying cost, buying cost की change hone se carrying cost bhi change hogi matlab मतलब ideally your buying cost as well as carrying cost both are going to be different। आपके order करने से buying cost और carrying cost अगर change होते हैं, तो EOQ most economic purchase level नहीं हो सकता। I mean हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन guarantee नहीं है। इन दैट केस आपको हर एक लेवल का कैलकुलेशन अलग से करके ढूंढना पड़ेगा मोस्ट इकोनॉमिक परचेज लेवल इन दैट केस विल बी डिटरमाइंड विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल कॉस्ट बाइंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट के बेसिस पे बाइंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के बेसिस पे तो वेन एवर देर इज नो चेंज इन द बाइंग कॉस्ट अन कैरिंग कॉस्ट योर क्यू इज द मोस्ट इकोनॉमिक वेन एवर देर इज अ चेंज इन द बाइंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट वेन एवर देर इज अ चेंज इन द बाइंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट योर मोस्ट इकोनॉमिक विल बी डिटर्माइंड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कॉस्ट दिस ये हम लोगों ने सीखा था इस क्वेश्चन में दिस वॉज अबाउट योर क्यू हमने काफ़ी इनिशियल क्वेश्चंस यो क्यू पे सॉल्व किए थे एक चीज़ याद रखना वे एवर यू कैलकुलेट यो क्यू ए स्टैंड फॉर एनुअल परचेज आप कितना कंज्यूम कर, कर रहे हो वो मायने नहीं रखता आप कितना कंज्यूम कर रहे हो वो मायने नहीं रखता मायने क्या रखता है पता है मायने क्या रखता है पता है आप कितना परचेज कर रहे हो आप एप्लीकेशन में जाइए क्वेश्चन नंबर थ्री पे एप्लीकेशन टॉपिक क्वेश्चन नंबर थ्री पेज टू ट्वेंटी फोर एप्लीकेशन टॉपिक क्वेश्चन नंबर थ्री पेज टू ट्वेंटी फोर इसमें इन्होंने क्लियर कट बोला था कि दस हजार यूनिट्स बेचने हैं टेन थाउजेंड यूनिट्स बेचने के लिए मुझे टेन थाउजेंड बनाने पड़ेंगे टेन थाउजेंड यूनिट बेचने के लिए मुझे टेन थाउजेंड यूनिट्स बनाने पड़ेंगे राइट बट क्वेश्चन में बाद में दिया था नाइन हंड्रेड यूनिट्स का ओपनिंग स्टॉक है दस हज़ार बेचने हैं दस हजार बनाने पड़ेंगे लेकिन दस हजार क्यों बनाओ जब मेरे पास नौ सौ का स्टॉक पहले से पड़ा है तो हमने डिसाइड कर लिया इस क्वेश्चन में दैट नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड इज गोइंग टू बी योर क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड इज गोइंग टू बी योर क्वांटिटी मैन्युफैक्चर्ड नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड विल बी कंसिडर्ड एज योर क्वांटिटी टू बी मैन्युफैक्चर्ड ये समझ में आया क्लोजिंग स्टॉक होता तो ऐड कर लेते बजटरी कंट्रोल जैसा क्वांटिटी टू बी सोल्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग मुझे परचेज कितना करना है वो ढूंढना है प्लीज अंडरस्टैंड दस हजार बेचना है नो क्लोजिंग स्टॉक लेकिन नौ सौ का ओपनिंग स्टॉक है मतलब नौ सौ है ना तेरे पास, तो नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड बना दे एक यूनिट फिनिश गुड्स का बनाने के लिए दो किलो का रॉ मटेरियल लगता है एक यूनिट फिनिश गुड्स का बनाने के लिए दो किलो का रॉ मटेरियल लगता, लगता है तो अठारह हजार दो सौ किलो मुझे एनुअली कंज्यूम करना है लेकिन मेरे दोस्त हज़ार का ओपनिंग स्टॉक मेरे पास पहले से पड़ा है तो माय एन्यूअल रिक्वायरमेंट बिकम्स सेवेंटीन टू हंड्रेड के जीज माई एन्यूअल रिक्वायरमेंट बिकम्स सेवनटीन टू हंड्रेड के अब मेरी बात कान खोल के सुनो आप कंज्यूम करना है एटीन टू हंड्रेड लेकिन हजार किलो आपके पास पहले से है तो आपको परचेस करना है सेवनटीन टू हंड्रेड इू कंजम्शन से कंसर्न नहीं है परचेस से कंसर्न ईओ क्यू इज अ क्वान्टिटी दैट इज ऑर्डर तो मैं ऑर्डर वही करूंगा जो मुझे परचेस करना है तो एटीन थाउजेंड टू हंड्रेड विल नॉट बी टेकन एज ए ए विल बी एवं ए विल बी कंसिडर एज सेवनटीन टू हंड्रेड ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था रूट ऑफ़ स्क्वा ओ स्र ओ अपॉन सी इसमें जो ए होता है ना ए इट इज नॉट एनुअल कंजम्पशन इट इज एनुअल परचेज एंड दैट टू ऑफ मटेरियल इट इज एनुअल परचेज ऑफ मटेरियल्स तो अगर गलती से क्वेश्चन में फिनिश गुड्स का डेटा दिया तो उसको उठाना मत फिनिश गुड्स के डेटा को कन्वर्ट करके मटेरियल बनाओ ये फाइंड आउट करो कि वो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल कितना कंज्यूम करना पड़ता है जितना मटेरियल आपको कंज्यूम करना है दैट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स जैसा मैंने किया दस हज़ार बेचना था दस हज़ार बना देता हूँ नहीं 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 क्वेश्चन बोलता था नौ सौ का ओपनिंग स्टॉक है तो भाई दस हज़ार में से नौ सौ है ना तेरे पास पहले से तो नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड प्रोड्यूस कर 9,100 इफ यू प्रोड्यूस नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड यज एट द रेट ऑफ टू के लिए लेकिन बाद में मुझे क्वेश्चन ने बोला कि उसमें हजार किलो का ओपनिंग अरे यार हजार किलो का ओपनिंग स्टॉक मेरे पास है तो फिर 18,200 दो के लिए 18200 क्यों खरीदू सत्रह खरीदूंगा तो सेवनटीन टू हंड्रेड इज माई एनुअल एस फॉर

इंटरेस्ट विच इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्वेल्वेंट ऑफ सोल्यूशन रेट तो इसमें डिमांड थी बहुत से लोगों को पता चल गया कि फोर्टी एट थाउजेंड एनुअल होना चाहिए लेकिन ये ए नहीं है ये फिनिश गुड्स की क्वांटिटी है आपको कंजम्शन ढूंढना है वन यूनिट यूनिड टू प्रोड्यूस वन फिनिश गुड्स ओके अब मैं कह सकता हूँ कि फोर्टी एट थाउजेंड फिनिश गुड्स बनाने के लिए फोर्टी एट थाउजेंड रॉ मटेरियल चाहिए दैट इज वाईज फोर्टी एट थाउजेंड मैंने जब करवाया था तो मैंने कुछ चेंजेस भी करवाए थे जिन लोगों ने मेरे अंडर पढ़ा है मैंने इसको चार किलो करवाया था दो किलो करवाया था अलग अलग कैलकुलेशन करवाए थे मैंने यही बताने के लिए कि मैं मटेरियल को लेना चाहता हूँ फिनिश गुड्स को नहीं इधर भी वैसे ही क्वेश्चन नंबर फाइव में सेम चीज एक लाख एनुअल एनुअल एक लाख एक लाख एनुअल देखने के बाद बच्चे हड़बड़ा गए इट इज नॉट ए इट इज एनुअल प्रोडक्शन गाइस। क्वेश्चन बोलता है कि 2.5 यूनिट्स बना सकते हो एक किलो में तो एक लाख यूनिट्स बनाने के लिए 40,000 किलो चाहिए आपको हाय चालीस किलो की जरूरत पड़ेगी आपको क्या समझते हो आर यू फॉलोइंग दिस तो इज़ नॉट वन लाख वन लाख यूनिट्स इज़ एनुअल प्रोडक्शन मुझे एनुअल प्रोडक्शन के नहीं एनुअल परचेज़ की ज़रूरत थी तो फोर्टी थाउजेंड के को मैंने बेस बनाया थ्री सिक्सटी और थ्री नाइन्टी दोनों पर ऑर्डर थे तो टोटल सेवन फिफ्टी ऑर्डरिंग कॉस्ट हुई पॉइंट फाइव पर के स्टोरेज था पर के पर मंथ तो इसको पहले तो ट्वेल्व से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया सिक्स रुपीज़ और प्लस स्टोरेज कॉस्ट नाइन थी तो सिक्स प्लस नाइन कैरिंग कॉस्ट हो गई पंद्रह और हम लोग ने सॉल्व कर लिया इसको और एंड में वही पूछा था एंड में वही पूछा था क्वार्टरली परचेज करूं, क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर सॉरी एक क्वार्टर मतलब तीन महीने एक साल में कितने क्वार्टर चार चार क्वार्टर होने के बाद एक पूरा साल खत्म हो जाता है बराबर ना तो चार क्वार्टर में चार ऑर्डर आएंगे तो चालीस हजार किलो चार ऑर्डर में खत्म करो मतलब एट अ टाइम दस हजार ऑर्डर करो तो ईओ क्यू के बदले अगर मैं दस हज़ार ऑर्डर करना शुरू कर दूं तो डेफिनेटली माय कॉस्ट स्ट्रक्चर विल बी मोर बाय वॉट एव मार्जिन माय कॉस्ट स्ट्रक्चर इज मोर उतने का डिस्काउंट मांगा मैंने आपका सोल्यूशन देखो आप ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट की टोटल तीस थी ऑर्डरिंग कॉस्ट की और कैरिंग कॉस्ट की टोटल तीस थी पंद्रह पंद्रह हज़ार पे लेकिन जब आपने दस हज़ार खरीदना शुरू कर दिया क्वार्टरली परचेस तो सेवेंटी एट थाउजेंड हो गई यार अभी तीस हज़ार खर्च कर रहा हूं ई क्यू पे दस हज़ार ऑर्डर करना शुरू कर दूँ तो सेवेंटी एट थाउजेंड खर्च होगा यार इसका मतलब फोर्टी एट थाउजेंड ज़्यादा खर्च हो रहा है तो ठीक है फोर्टी एट थाउजेंड का डिस्काउंट दे दे चालीस हजार मुझे खरीदना है चालीस हजार मुझे खरीदना है ओवर अ पीरियड ऑफ वन ईयर साठ रुपए की बाइंग कॉस्ट है चालीस हजार इंटू सिक्स चौबीस लाख मेरी बाइंग कॉस्ट है मुझे उस पर फोर्टी एट थाउजेंड का डिस्काउंट चाहिए तो फोर्टी एट थाउजेंड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर लैक्स करोगे तो पता चलेगा टू परसेंट डिस्काउंट मांगना पड़ेगा आपको आराम से देख लो लेना यही सोल्यूशन है इससे ज्यादा आपको तकलीफ नहीं देगा एक सिंपल बात याद रखना बाइंग कॉस्ट में अगर डिस्काउंट मिलता है ना तो ही आई वुड प्रिफर गेटिंग शिफ्टेड फ्रॉम बाइंग कॉस्ट में अगर डिस्काउंट नहीं मिलता ना तो मैं ओपनली कैल्सी को टच किए ना बोलूंगा मेरे को नहीं करना है ऑफर एक्सेप्ट यू आस्क मी टू शिफ्ट फ्रॉम योर क्यू

आपको खुश करने के लिए नहीं बैठा हूं मैं को मैं पे मिस्टर मिस्टर सप्लायर सप्लायर को को कि तेरे खुश करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है तू मेरे को सत्तर हजार का डिस्काउंट दे दे मतलब माई स्ट्रक्चर शुड रिमेन सेम ये सीखा हम लोगों ने इस में। और सिक्स का भी डिस्कशन मैंने कर दिया whenever there is a change in the buying cost and carrying cost, the most economic purchase level is not EOQ. EOQ liya tha is calculation mein, fir bhi most economic purchase level EOQ nahi total cost kisi or ki kam So, decision is to be taken on the basis of total cost. I think this is what we are supposed to do as far as uh, your first segment of material costing is concerned and what is it? EOQ. चलो तो एक पार्ट हमने डिसाइड कर लिया डिस्कस कर लिया आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर यस फ्रेंड्स ई क्यू समझने के बाद आपको स्टॉक लेवल समझना जरूरी है अब आपका स्टॉक लेवल जो होता है ना आपका जो स्टॉक लेवल होता है ना वो डिपेंडेंट होता है uh, दो फैक्टर्स पे आपका कंजम्पशन कैसा है और दूसरा लीड टाइम कितना है दोनों को एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है लीड टाइम मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल। प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ मटेरियल। आज अगर ऑर्डर प्लेस कर दी कल माल आ रहा है मतलब वन डे इज अ लीड टाइम आज ऑर्डर प्लेस कर दी परसों माल आ रहा है तो टू डेज विल बी द लीड टाइम कंजन ज डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्लान लीड टाइम इज डिपेंडेंट ऑन द सप्लायर दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं कनेक्शन हमको लगाना है कैसे अब ऐसा है कि नॉर्मली इतने सालों से मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं मुझे सेवेंटी फाइव यूनिट्स की जरूरत पड़ती है हर दिन नॉर्मली सेवेंटी फाइव यूनिट्स की मुझे जरूरत पड़ती है हर दिन एक दो बार ऐसा हुआ है कि जब डिमांड बहुत तगड़ा था तो मैंने हंड्रेड यूनिट्स भी कंज्यूम कर लिए एक दिन में और ऐसे भी दिन देखे मैंने जब मैंने 50 का कंजम्पशन किया अच्छा 100 कभी कबार लगाए 50 कभी कबार लगाए आपको लगता है आई कैन जनरलाइज दिस नो नॉर्मली फ्रीक्वेंटली मुझे 75 फाइव यूनिट की जरूरत पड़ती है तो मेरे लिए 75 फाइव मायने रखता है नॉर्मली 75 की जरूरत मुझे पड़ती है मैं नॉर्मली जितनी भी बार प्रोडक्शन करूं मैक्सिमम टाइम 75 75 75 हर दिन कंजम्पशन होता है तो मेरे लिए नॉर्मल प्रोडक्शन नॉर्मल कंजम्पन भी सेवेंटी फाइव है हाँ एक हाथ दो बार सौ भी लगा एक हाथ दो बार पचास भी लगा आई विल कीप दैट इन माइंड बट आई विल नॉट फोकस ऑन इट ऑन अ लार्ज स्केल आप समझ रहे हो अच्छा लीड टाइम मतलब इतने साल से मैं बिजनेस कर रहा हूं मेरा सप्लायर से इतने साल से कनेक्शन है कॉन्टैक्ट है जनरली वो छः दिन में माल दे ही देता है हाँ एक हाथ दो बार ऐसा हुआ है कि आठ दिन लगा है एक हाथ दो बार ऐसा हुआ है कि चार दिन भी लगा है बट कभी कभार होने वाली चीजों पे फोकस किया जा सकता है क्या नहीं कभी कभार होने वाली चीजों पर फोकस नहीं किया जा सकता इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि वो फ्रिक्वेंट नहीं है वो रिकरिंग नहीं है नॉर्मली छह दिन में आता है ना स्टॉक तो छह दिन पे फोकस करो अब यहां पे मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूं कि वो कौन सी लेवल होगी स्टॉक की जहां पे मैं ऑर्डर प्लेस करूंगा मेरी बात को ध्यान से सुनिए मेरे स्टॉक की एक लेवल है हर दिन उसमें से कंजम्पशन 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 होते जाएगा स्टॉक का कंजम्पशन हर बार होते जाएगा हर दिन होते जाएगा इसका मतलब समझते हो क्या आप स्टॉक का कंजम्पशन हर दिन होते जाएगा इसका मतलब समझते हो आप आपका स्टॉक एक दिन सेम नहीं रहने वाला हर दिन वो कम होते 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 थे, एक फाइनल डे वो जीरो पे पहुंच जाएगा ऑफकोर्स जीरो पे पहुंचने से पहले मुझे फ्रेश लॉट ऑर्डर करना है ये वो लेवल है विच इज नोन एज री ऑर्डर लेवल द लेवल एट विच यू प्लेस एन ऑर्डर फॉर फ्रेश लॉट और मैं फ्रेश लॉट उस लेवल पे उस स्टॉक लेवल पे ऑर्डर करना चाहता हूं जिसकी वजह से बाय द टाइम आई गेट अ फ्रेश लॉट आई शुड बी हैविंग सफिशियंट मटेरियल विथ मी फॉर कैरिंग ऑन द कंजम्पशन क्योंकि आज अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं पांच दिन के बाद माल आने वाला है तो पांच दिन तक कंजम्पशन तो चालू होना चाहिए ना आई के नॉट अफोर्ड टू क्लोज द कंजम्पशन आई के नॉट अफोर्ड टू स्टॉप द प्रोडक्शन क्योंकि प्रोडक्शन स्टॉप करने का मतलब फिनिश गुड्स नहीं बनेगा फिनिश गुड्स नहीं बना तो फिनिश गुड्स नहीं बिकेगा दैट इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट यू वुड हैव इजीली अर्न बाय प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द प्रोडक्ट अच्छा आपका प्रोडक्ट नहीं जाता है मार्केट में आपका प्रोडक्ट नहीं बिकता है मार्केट में इसका मतलब समझे क्या आपका प्रोडक्ट अगर नहीं बिकता है मार्केट में आपका प्रोडक्ट अगर नहीं जाता है मार्केट में इसका मतलब यू आर गिविंग अपर हैंड टू योर कॉम्पिटेट क्योंकि तू नहीं कोई और सही कोई और नहीं कोई और सही पेप्सी नहीं तो कोक है मेरिंडा नहीं तो फैंटा है सेवन अप नहीं तो स्प्राइट है माजा नहीं तो स्लाइस है हर एक प्रोडक्ट का काउंटर प्रोडक्ट अवेलेबल है मार्केट में आज तक कभी आपने रेस्टोरेंट से कभी बाहर निकले हो खाना छोड़ के कि यार इधर पेप्सी नहीं मिलती कोक क्या पिलाता है फैंटा नहीं मिलता मिरिंडा क्या पिलाता है हमको फर्क नहीं पड़ता एवरी प्रोडक्ट हैज अ काउंटर प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट तो अगर आप कस्टमर तक नहीं पहुंच पाए तो कस्टमर कहीं और पहुंच जाएगा और कस्टमर कहीं और पहुंच गया और उसे वो पसंद आया तो आपके पास कभी वापस नहीं आएगा देर कैन बी अ लॉस ऑफ प्रॉफिट देर कैन बी अ लॉस ऑफ कस्टमर बेस परमानेंट लॉस ऑफ कस्टमर बेस दुकान बंद करने के ताला लगाने की नौबत आ सकती है आर यू गेटिंग मी सो बॉस वॉट आर माई सपोज टू डू क्या करूं कैसे करूं तो ऑर्डर योर मटेरियल एट सच ए लेवल ऑफ स्टॉक

तो कंजर्वेटिव अप्रोच ये कहता है कि यार मैक्स टू मैक्स मुझे 100 यूनिट्स की जरूरत पड़ सकती है हर दिन और मैक्स टू मैक्स मुझे 8 दिन लग सकते हैं माल मिलने में तो मैं 800 सौ की लेवल पे मटेरियल की ऑर्डर प्लेस करूंगा मतलब मेरे लिए रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम मैक्सिमम कंजम्पन का कंज़म्पशन होता है ऑर्डर प्लेस तो तो करूंगा, करूंगा एक चीज याद रखिए आठ सौ की लेवल पर दिया तो मैक्सिम आठ दिन लगने वाले और मेरे पास आठ दिन सौ सौ किलो का स्टॉक सौ सौ यूनिट का स्टॉक पड़ा है कंजन प्रोसेस फॉर नेक्स्ट एट डेज यार देख के पता चलता है ये नहीं होने वाला लाइफ में दिस इज अयर सिचुएशन सौ यूनिट्स हर दिन लगना रेयर सिचुएशन है आठ दिन में मटेरियल मिलना रेयर सिचुएशन है आपने रेयर इंटू रेयर कर दिया रेयर मोस्ट सिचुएशन पैदा कर दी यार आप कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं होने वाले बट ये कंजर्वेटिव फॉर्मूला समझ में आया मैक्सिमम कंजम्शन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम फिर एक ऑप्टिमिस्टिक फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल का रीऑर्डर लेवल का ऑप्टिमिस्टिक फार्मूला क्या कहता है ऑप्टिमिस्टिक फार्मूला ये कहता है कि यार इतना क्यों डरते हो आपको नॉर्मली सेवेंटी फाइव यूनिट चाहिए हर दिन आपको नॉर्मली छः दिन में माल आ जाता है तो सेवनटी फाइव इंटू सिक्स आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट फोर फिफ्टी की है आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट फोर फिफ्टी की है आपको डर लग रहा है तो ठीक है यार एक सौ किलो का एक्स्ट्रा सेफ्टी स्टॉक रख दो मिनिमम लेवल स्टॉक देखो आपको नॉर्मली पचहत्तर यूनिट्स लगते हैं हर दिन नॉर्मली आपका मटेरियल छः दिन में आ जाता है ना तो मतलब आपको दिन सर्वाइव करना है नीच हुआ तो, कभी अगर करना पड़ा तो, तो रखना भाई सौ का एक्स्ट्रा स्टॉक इतना डर लग रहा है तो फिक्स डिपॉजिट जैसा और साढ़े पांच सौ पे ऑर्डर प्लेस कर एक जमाना था जब मैं 800 पे ऑर्डर प्लेस करता था मैं कंजम्पशन मैक्सिमम लेके कैलकुलेशन करता था मैं कंजर्वेटिव था अब मैं साढ़े पाँच सौ पे ऑर्डर प्लेस करूंगा मतलब क्या ना इसे अब मुझे आठ सौ तक का स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है पहले मैं आठ सौ पे स्टॉक ऑर्डर प्लेस करता था अब मैं साढ़े पाँच सौ पे ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ मतलब ऑटोमेटिकली ढाई सौ यूनिट्स की कैरिंग कॉस्ट तो मैंने सेव कर ली गाइस दिस इज ऑप्टिमिस्टिक फार्मूला ऑप्टिमिस्टिक फार्मूला आपका ये कहता है ऑप्टिमिस्टिक फार्मूला आपका रीऑर्डर लेवल का ये कहता है कि भाई रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू नॉर्मल कंजम्शन इन टू नॉर्मल लीड टाइम और आपको थोड़ा डर लगता है तो एक मिनिमम लेवल स्टॉक आप मैनेज करके रख सकते हो विच इज ऑल्सो नोन एज सेफ्टी स्टॉक आप समझ रहे हो बात को ऑप्टिमिस्टिक फार्मूला आपको फायदा करके देगा क्यों 800 के लेवल पे पहले ऑर्डर प्लेस किया करते थे अब 800 के लेवल पे मैं देखता ही नहीं हूं मैं तो साढ़े पांच के लेवल पे ऑर्डर प्लेस करूंगा 800 के बदले साढ़े पाँच के लेवल पे अगर मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ गाइस तो 250 यूनिट्स की कैरिंग कॉस्ट तो वैसे भी सेव कर ली मैंने और है ना मेरे पास सेफ्टी स्टॉक पड़ा है अरे हंड्रेड रोज लगने का कोई चांस है क्या हंड्रेड यूनिट्स अगर रोज लगते तो वो मैक्सिमम थोड़ी होता वो तो नॉर्मल होता मेरे लिए तो जिस प्रोबेबिलिटी से आप यह कह दो कि हंड्रेड लगे तो तो ऐसा भी हो सकता है कि पचास ही लग जाए फिफ्टी भी तो लग सकते हैं यार हंड्रेड फिफ्टी दोनों नॉन रिकरिंग है नॉर्मली लिखता है सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव नॉर्मली मिलता है छह दिन में तो फोर फिफ्टी की जरूरत है प्लस सेफ्टी स्टॉक कभी कुछ ऊंच नीच हो गया तो सौ यूनिट पड़े हैं मेरे पास तो रीऑर्डर लेवल का जो ऑप्टिमिस्टिक फॉर्मूला है ना दोस्तों वही आपको मिनिमम लेवल का फॉर्मूला देता है मिनिमम लेवल आपने ऐड कर दी थी नॉर्मल में नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम प्लस मिनिमम लेवल स्टॉक अगर आर ओ एल देता है तो मिनिमम लेवल स्टॉक इज इक्वल टू आर ओ एल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम अरे हाया ना बोलो 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 अब समझा ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ

जो मटेरियल आपने ऑलरेडी ऑर्डर किया वो कहा पहुंचा है फाइंड आउट करो एक्टिविटी स्टार्ट करो बिकॉज यू आर क्वाइट क्लोज टू बी आउट ऑफ स्टॉक समझ में आया मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक ये वो क्वांटिटी है जो मैक्स टू मैक्स मुझे स्टोर करनी पड़ सकती है ये वो क्वांटिटी है जो मैक्स टू मैक्स मुझे स्टोर करनी पड़ सकती है किसी एक दिन मुझे इक्विप्ड होना चाहिए उतना दिस इज द मैक्सिमम क्वांटिटी दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन एनी वन गिवन डे इन दर हाउस अब इसका कैलकुलेशन भी एकदम सिंपल है बॉस री ऑर्डर लेवल पे आप रिओर क्वांटिटी के लिए ऑर्डर प्लेस करते हो री ऑर्डर लेवल पे आप रिओर क्वांटिटी के लिए ऑर्डर प्लेस करते हो ताबड़ तो मटेरियल तो मिलेगा नहीं तो जब तक मटेरियल नहीं मिलता प्लीज सी टू एट दैट यूर कंजन इज मिनिम फॉर मिनिमम ली टाइम आरओल माइनस मिनिमम कंज़म्पशन इन मिनिमम लीड टाइम प्लस आर ओ क्यू यार लॉजिकली सोचो मैक्सिमम स्टॉक लेवल स्टॉक की लेवल मैक्सिमम तब होगी जब कंजम्पशन मिनिमम होगा आपके पास अभी जेब में चॉकलेट्स पड़े आप कम खाओगे तो ज्यादा बचेंगे आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस तो अगर मुझे मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक ढूंढनी है तो एकदम सिंपल है रिओर्ड लेवल पे आई एम प्लेसिंग ऑर्डर फॉर आरो क्यू एंड बाई द टाइम आई एम गेटिंग दट आर ओ क्यू मेरा कंजम्प्शन मिनिमम होना चाहिए फॉर मिनिमम लीड टाइम और रही बात एवरेज स्टॉक की तो इट इज मैक्सिमम प्लस मिनिमम पॉइंट टू ये थे फॉर्मूला जो हमने डिराइव कर लिए डेंजर लेवल नाम का एक लेवल भी होता है विच इज फर्दर बिलो मिनिमम लेवल विच इज नॉर्मल कंजम्शन इनटू इमरजेंसी सी लीड टाइम ये होगा डेंजर लेवल सारे फार्मूलाज आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दे चुके हैं हम लोग आइए चलते जरा क्वेश्चंस पे क्वेश्चन नंबर नाइन पे वैसे डिस्कस करने जैसा कुछ था नहीं एक फार्मूला और दो आंसर्स ए का और बी का जहां भी नॉर्मल लीड टाइम नहीं दिया है वहां पे आप एवरेज ले सकते हो जैसे हमने यहाँ पे लिया था नॉर्मल लीड टाइम फोर टू सिक्स वीक्स के बीच में दिया नहीं है तो एवरेज ले लो ना फोर प्लस सिक्स टेन अपॉइंट टू फाइव एंड फोर प्लस टू सिक्स अपॉइंट टू थ्री हैव यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस ओके इस क्वेश्चन में डिस्कस करने जैसा था नहीं इसमें था ओ क्यू हमको कैलकुलेट करनी थी तो आर ओ क्यू के लिए वी आर सपोज टू गो फॉर इू अगर कुछ भी नहीं बोला तो आई वुड ऑलवेज प्रीफर ईओ क्यू टू बी ऑर्डर्ड इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट था एवरेज कंजम्पशन दिया गया था आपको मैक्सिमम दिया गया था और मिनिमम दिया नहीं था तो हम लोगों ने एवरेज कंजम्पशन फॉर्मूला अप्लाई किया अब मैक्सिमम कंजम्पशन प्लस मिनिमम कंजम्पशन अपॉन टू करोगे तो फिफ्टीन आना चाहिए इसको सॉल्व करोगे तो फिफ्टीन इंटू टू थर्टी थर्टी माइनस ट्वेंटी सो मिनिमम का आंसर टेन तो मिनिमम कंजम्पन टेन यूनिट्स ऑफकोर्स आप कुछ सोल्यूशन में आपको ऑलरेडी दिया गया है इसमें सो दिस वॉज ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस क्वेश्चन बाकी तो सिर्फ फ़ॉर्मूला बेस्ड ही है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें आपको सबसे पहले ये याद रहना चाहिए कि यह वन ये टू और मिनिमम, मैक्सिमम और नॉर्मल प्रोडक्शन है ये फिनिश गुड्स की इंफॉर्मेशन है हमें आर ओ एल या स्टॉक लेवल फाइंड आउट करने के लिए मटेरियल की इंफॉर्मेशन चाहिए आप समझ रहे हो बात को यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में कंजम्पशन दिया गया था दस किलो चार किलो छ किलो इसको यूज करके हमें डिसाइड करना है कि कंजम्पशन कितना होगा तो इस क्वेश्चन में मटेरियल कंजम्पशन पैटर्न ही नहीं दिया था तो मटेरियल कितना परचेस करना है वो भी नहीं पता था मटेरियल कंजम्पशन का पैटर्न नहीं दिया था तो मटेरियल कितना कंज्यूम करना है वो भी नहीं पता था वो भी अगर नहीं पता था तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग नहीं पता था कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मिनिमम प्रोडक्शन है ना मल्टीप्लाइड बाय टेन मल्टीप्लाइड बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय सिक्स विल गिव यू मिनिमम कंजम्पशन ऑफ दिस थ्री मटेरियल्स मैक्सिमम प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय टेन मल्टीप्लाइड बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय सिक्स विल गिव यू मैक्सिमम कंजम्पशन वेट आई शो यू हियर वी गो देख लो मैंने क्या किया है मैक्सिमम नॉर्मल और मिनिमम फॉर ए मैक्सिमम 225 यूनिट्स बनाते हो तो 2250 नॉर्मली 200 यूनिट बनाते हो एट द रेट ऑफ 10 2000 और मिनिमम 175 सेवेंटी फाइव गुड्स के यूनिट्स बनाते हो मल्टीप्लाई बाय 10 1750 ये हो गया आपका कंजम्पन रिक्वायरमेंट ऑफ ये हो गया आपका कंजम्पन रिक्वायरमेंट ऑफ ए वैसे ही बी का फिनिश गुड्स मैक्सिमम 225 चाहिए ना और चार किलो का कंजम्पशन है तो 225 ट्वेंटी फाइव इंटू फोर टू हंड्रेड इंटू फोर वन सेवेंटी फ़ाइव इंटू फोर क्योंकि कंजम्पशन तो फोर रुपीज़ ही रहेगा भाई उस पर चेंज नहीं होगा तो हमने पहले कंजम्पशन ढूंढ लिया देख लो ये पैटर्न अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन शॉट ले सकते हो बाकी इसके बाद तो सब फॉर्मूला बेस्ड आंसर ही है चलो मैं गायब हो जाता हूँ आप यहाँ पे ले लीजिए स्क्रीन शॉट इस चीज़ का वेरी गुड वेलकम बैक ये समझा तो इस क्वेश्चन में ये पॉइंट ज्यादा जरूरी था यह था आपका स्टॉक लेवल का कैलकुलेशन आई होप यू पीपल आर कंफर्टेबल विद स्टॉक लेवल नाउ तो दोस्तों वी हैव फिनिश्ड स्टॉक लेवल ऑल्सो अब सेफ्टी स्टॉक का एक दो क्वेश्चन हम लोग ने जो सॉल्व किए वो समझ लेते आपको याद होंगे

कि छह दिन के पहले मटेरियल आने का कोई स्कोप ही नहीं था तो मतलब दोस्तों क्या नहीं से मेरा आर ओ एल लेवल ऐसी होनी चाहिए कि छह दिन का कंजम्पशन एटलीस्ट कवर करे दिन के अंदर मटेरियल नहीं आने वाला मतलब मुझे ऑर्डर ऐसे वक्त प्लेस करनी चाहिए कि मेरा छह दिन एटलीस्ट कवर हो जाए एटलीस्ट 54,000 मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट थी 360 डेज साल भर के होते हैं तो 54,000 डिवाइडेड बाय 360 मुझे पता चला हर दिन डेढ़ सौ यूनिट्स की जरूरत पड़ती है कंजम्पशन के लिए मुझे छः दिन किसी भी हालत में छः दिन का कंजम्पशन मैनेज करना पड़ेगा सो so 150 फिफ्टी इंटू सिक्स माई बेसिक रीऑर्डर लेवल इज 900 अगर मैं 900 के लेवल पे स्टॉक ऑर्डर करता हूँ तो 75 75 ऑफ़ द रिस्क इज़ कवर्ड बिकॉज़ चांसेस कि छह दिन में माल आ जाएगा मतलब जब मैं 900 का स्टॉक मेंटेन करता हूं ऑर्डर जब प्लेस करता हूं तब मेरे पास सिर्फ छह दिन का बचता रिस्क बहुत बढ़िया परसेंट रिस्क लेना चाहते हैं है, तो सेफ्टी एसेंट होनी चाहिए पंद्रह परसेंट रिस्क लोगे तो एटी फाइव परसेंट सेफ्टी होगी सेवेंटी फाइव परसेंट की सेफ्टी तो वैसे भी है अपनी सेवेंटी फाइव परसेंट की सेफ्टी तो वैसे भी है अपनी क्योंकि छह दिन का तो स्टॉक मैं वैसे भी मेंटेन करके चल रहा हूं आपको एटी फाइव करना है तो टेन परसेंट के लिए सातवें दिन का कंजम्पशन मैनेज कर लो तो नौ सौ मेरा बेसिक रिओर्डर लेवल है और वन मेरा सेफ्टी स्टॉक है तो वन विल बी माई रिवाइज रिओर्डर लेवल अब मैं अगर वन जीरो फाइव जीरो पे ऑर्डर प्लेस करूं तो मैं सात दिन तक कंजम्पशन चला सकता हूं और अगर मैं सात दिन तक कंजम्पशन चला सकता हूं दोस्तों तो तू क्या सोचता है सेवनटी फाइव प्लस टेन एटी फाइव परसेंट रिस्क मैंने कवर कर ली हाई दैया मैं क्या कवर नहीं कर रहा हूं पांच परसेंट पांच परसेंट पांच परसेंट आठवें दिन स्टॉक आया तो नाइन्थ डे को स्टॉक आया तो टेंथ डे को स्टॉक आया तो मतलब आई एम एक्सपोज टू फिफ्टीन परसेंट रिस्क वही तो वो लोग चाहते थे 15 रिस्क नहीं थी समझ में आई बात हाँ जी अब इनको पाँच परसेंट रिस्क लेनी है पाँच परसेंट रिस्क लेनी है तो दसवें दिन के लिए एक्सपोज रहो सेवेंथ एट नाइन वन फिफ्टी इंटू थ्री साढ़े चार सौ का सेफ्टी स्टॉक रख दो भाई साढ़े चार सौ का सेफ्टी स्टॉक रख दो वन थ्री फाइव जीरो पे ऑर्डर प्लेस करो क्यों पता है क्योंकि 1, 3, 5, 0, मतलब नौ दिन तक कंजम्पशन चला सकता हूं मैं मतलब सिर्फ दसवा दिन मुझे तकलीफ दे सकता है अगर मटेरियल नौ दिन में आया मुझे मुझे प्रॉब्लम हो सकता है कि मटेरियल अगर दसवें दिन आया तो मतलब आई एम टेकिंग फाइव परसेंट ऑफ द रिस्क क्योंकि दसवें दिन मटेरियल आने के चांसेस फाइव परसेंट है सिंपल सिक्स डेज का बेसिक रीऑर्डर लेवल रख के हम लोग वैसे भी 75 परसेंट रिस्क तो कवर कर ही रहे आई कैन नॉट हैव री ऑर्डर लेवल लेस देन सिक्स डेज सो छः दिन का स्टॉक रख के मैं वैसे भी 75 परसेंट रिस्क कवर कर रहा हूँ और 10 परसेंट करनी है तो सातवें दिन का स्टॉक रखो जो पॉइंट नंबर टू में पूछा था आपको सिर्फ पांच परसेंट रिस्क लेनी है तो सिर्फ दसवें दिन के लिए ओपन रहो बाकी सारे दिन का सातवां आठवां नौवा वन फिफ्टी यूनिट पर डे इन टू थ्री डेज साढ़े चार सौ ऑर्डर होना चाहिए आपके पास साढ़े चार सौ का सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए आपके पास तो नौ सौ प्लस एग्जिस्टिंग रिओर्ड लेवल छह दिन कवर करता है साढ़े चार सौ सेफ्टी स्टॉक तीन दिन कवर करता है मतलब छ प्लस तीन नौ दिन का स्टॉक है मेरे पास सो आई एम एक्सपोज ओनली फॉर द टेंथ डे अगर मटेरियल दसवें दिन आया तो तकलीफ होगी मटेरियल अगर दसवें दिन आया तो तकलीफ होगी मतलब आई मैम एक्सपोर्ट फाइव तो परसेंट रिस्क अच्छा अब सेफ्टी स्टॉक जो होता है ना इट इज ऑलवेज केप्ट विथ यू थ्रू आउट आउटर अठारह सो आपका जो ईओ क्यू था आप चेक कर सकते हो पॉइंट नंबर वन में आपने ईओ क्यू निकाला था वन थाउजेंड एट हंड्रेड यूनिट्स वन थाउजेंड एट हंड्रेड यूनिट्स ईओ क्यू आएगा ईओ क्यू जाएगा कंजम्पशन होते रहेगा लेकिन सेफ्टी स्टॉक हमेशा बरकरार रहेगा फोर फिफ्टी के तौर पर अगर मुझे जरूरत पड़ी तो फोर फिफ्टी का एक हिस्सा मैं निकाल के यूज कर लूंगा एंड आउट ऑफ माई नेक्स्ट एटीन हंड्रेड विच इज माई ईओ क्यू मेरा नेक्स्ट लॉट जैसे ही मैं रिसीव करूंगा उसमें से वो पचास यूनिट निकाल के रिस्टोर कर दूंगा आई विल सी टू इट साढ़े चार सौ यूनिट मेरे पास हर दिन पड़े इसका मतलब पूरे साल भर फिक्स डिपॉजिट जैसा साढ़े चार सौ का स्टॉक में में करके रहूंगा। तो इन्होंने जो कैरिंग कॉस्ट पूछी है ना मुझे पॉइंट नंबर में उसमें ऑर्डरिंग एक साल भर के पड़े मेरे पास हर दिन 450 का स्टॉक होगा बतौर स्टॉक तो उसकी ऑर्डरिंग क्यों नहीं लेता अरे वो पहले ऑर्डर कर चुका हूं स्टॉक में पड़ा है तो स्टॉक में पड़ा है तो सिर्फ कैरिंग कॉस्ट आएगी ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं समझ में आ रहा है फोर फिफ्टी यूनिट का सेफ्टी स्टॉक मेरे पास है थ्रू आउट द ईयर तो उसका फोर फिफ्टी इंटू थ्री हंड्रेड एक्स्ट्रा कैरिंग कॉस्ट मुझे लेनी पड़ी वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड जो आपने पॉइंट नंबर फोर में किया है बाकी तो इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ था नहीं और फिर सेफ्टी स्टॉक का यह एक और क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसमें ऐसा बोला था कि आप सौ में से ये इसका सबका टोटल हंड्रेड है आप सौ में से दो बार हंड्रेड से आउट ऑफ स्टॉक हुए आप सौ में से पाँच बार अस्सी से आउट ऑफ स्टॉक हुए आप सौ में से दस बार फिफ्टी से आउट ऑफ स्टॉक हुए आप सौ में से बीस बार बीस से आउट ऑफ स्टॉक हुए आप आउट ऑफ स्टॉक हुए इतने सारे क्वांटिटी से आप आउट ऑफ स्टॉक हुए इतने सारे क्वांटिटी से इन लोगों ने बोला है सेफ्टी स्टॉक डिसाइड करो सिंपल है अगर मैं हंड्रेड का सेफ्टी स्टॉक रखता हूँ तो मेरा मैक्सिमम डिमांड जिससे मैं से आउट ऑफ स्टॉक होता हूँ वही हंड्रेड है तो हंड्रेड का सेफ्टी स्टॉक अगर मेरे पास है तो मैक्सिमम डिमांड विल बी हंड्रेड आई विल नेवर बी आउट ऑफ स्टॉक हाँ लेकिन एक चीज़ है ये हंड्रेड का सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करने के चक्कर में कैरिंग कॉस्ट आएगी हंड्रेड यूनिट्स इंटू फिफ्टी पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट है चलो अगर मैंने अस्सी का स्टॉक रखा सेफ्टी स्टॉक अगर मैंने 80 का सेफ्टी स्टॉक रखा तो 10, 20, 50 और 80 का डिमांड मुझे कभी भी आउट ऑफ स्टॉक नहीं कर सकता मुझे आउट ऑफ स्टॉक सिर्फ मैं हो जाऊंगा अगर मेरी डिमांड 100 होती है तो अगर मेरी डिमांड 100 है अगर मेरी डिमांड 100 है तो ही मैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊंगा 20 यूनिट से बीस तो यूनिट से अगर मैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊंगा तो 20 यूनिट इन टू लेकिन यार जरूरी थोड़ी है कि हंड्रेड का ही डिमांड हो तो मुझे यहां पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी पड़ी अगर मैं अरे 100 में से 2 परसेंट चांस है रेट 100 का डिमांड आएगा मतलब प्रोबेबिलिटी जीरो पॉइंट जीरो टू इज द प्रोबेबिलिटी कोई चांस नहीं है कि मैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊं अदरवाइज 100 का क्या चांस है जीरो पॉइंट जीरो टू तो मुझे प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी पड़ेगी और हाँ 80 यूनिट्स को मेंटेन करने के लिए 4000 का खर्चा मैंने 50 का भी वैसे निकाल लिया 50 यूनिट्स का अगर सेफ्टी स्टॉक मैंने रखा तो 180 दो ही लेवल पे मैं आउट ऑफ स्टॉक हो जाऊंगा 50 से और 30 से क्योंकि मेरे पास 50 का स्टॉक पड़ा है 100 का डिमांड है तो पचास से आउट ऑफ स्टॉक एटी का डिमांड आया तो तीस से आउट ऑफ स्टॉक तो मैंने फिफ्टी इंटू वन फिफ्टी थर्टी इंटू वन फिफ्टी किया और मैंने हंड्रेड की प्रोबेबिलिटी और जीरो पॉइंट जीरो फाइव की प्रोबेबिलिटी भी अप्लाई कर दी क्योंकि बाकी तो कोई चांस नहीं है ना 100 में से सौ में से सेवन टाइम्स और सौ में से सेवन टाइम्स आई बी आउट ऑफ स्टॉक क्योंकि पचास तो मेरे पास है तो सिर्फ हंड्रेड और एटी पे मैं आउट ऑफ स्टॉक होऊंगा और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सौ में से सात बार रहे मतलब पॉइंट जीरो सेवन तो नाइनटी थ्री परसेंट चांस है कि मैं नहीं होऊंगा तो नेचुरली स्टॉक आउट कॉस्ट भी उसी की तरह कैलकुलेट की मैंने ये सब करते करते आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर कम होते जा रहा है टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर टू वन फोर जीरो पे आने के बाद अचानक से यू टर्न लेता है अचानक से यू टर्न लेता है और टू वन नाइन फाइव पे पहुंच जाता है और फिर टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड पे मतलब यार इतना तो पता चल गया कि टू वन फोर जीरो इज द मिनिमम लेवल इससे नीचे हो नहीं सकता क्योंकि इसके नीचे अगर आप जाना चाहोगे आप 20 से कम सेफ्टी स्टॉक रखोगे तो आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है 2140 के बाद सीधा 2195 तो 2140 वन फोर जीरो वॉज सेफ्टी स्टॉक 20 यूनिट्स 20 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक मेरे पास है तो मैं हंड्रेड एटी और 50 के लेवल पर ही आउट ऑफ स्टॉक हो सकता हूं अदरवाइज नहीं और इन तीनों की प्रोबेबिलिटी मैंने अप्लाई की 100 के चांसेस 0.02, 80 के चांसेस 0.05 और 50 के चांसेस 0.10। अकॉर्डिंगली मुझे स्टॉक आउट कॉस्ट मिली कैरिंग कॉस्ट बीस यूनिट्स को कैरी करने का खर्चा हजार तो टू वन फोर जीरो इज द कॉस्ट एंड सिज द कॉस्ट इज मिनिमम हम लोग ने सेफ्टी स्टॉक बीस का रख दिया ये था वो नेक्स्ट क्वेश्चन जिसपे हम लोगों ने सेफ्टी स्टॉक डिसाइड किया था फिर यह भी एक सिंपल क्वेश्चन था आपको बोला गया था कि आप का वेस्टेज 25% परसेंट ऑफ आउटपुट है आपका वेस्टेज 25% ऑफ आउटपुट है। इसका मतलब आउटपुट जब एक किलो निकलता है वेस्टेज 0.25, 0.25 वेस्ट करने के बाद 0.25 वेस्ट करने के बाद एक किलो मिल रहा है इसका मतलब आपने इनपुट कितना किया होगा डेफिनेटली वन 1.25 किया होगा आपने अरे पहली बार क्वेश्चन में वेस्टेज जो है वो आउटपुट पे दिया था 25% of the output, 25% द प्रोडक्ट तो output अगर एक किलो है तो वेस्टेज 0.25 तो इनपुट 1.25 होना चाहिए तो इनपुट 1.25 होना चाहिए तो 1.25 अगर इनपुट है तो इक्वल रेशियो में एक सी बी एक सी यूज करोगे 150 90 का कॉस्ट अप्लाई करोगे तो 93.75 थ्री पॉइंट मतलब आपकी टोटल कॉस्ट आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी 150 मटेरियल कॉस्ट हो जाएगी 150 क्वेश्चन बोलता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट इज 40 परसेंट साठ रुपया लिया 210 की टोटल कॉस्ट क्वेश्चन बोलता है प्रॉफिट इज 20 परसेंट फोर्टी का प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस मिली टू यार टू लेने के बाद क्वेश्चन बोलता है कि बी नहीं चाहिए हमको बी विल बी रिप्लेस बाई सी लेकिन वो रिप्लेसमेंट मिनिमम होनी चाहिए तो मैंने ए एक सी की क्वांटिटी एक्स अज्यूम की अब 1.25 की अगर टोटल है तो सी एक्स सी की क्वांटिटी 1.25 एक्स होगी तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर के तौर पे अगर मैं सी एक्स सी ले रहा हूं तो इट इज अ बैलेंसिंग फिगर मिनिमम क्वांटिटी क्योंकि एक्स 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 ऑफ ए सी तो सी एक्स सी कितना एक्स अब उन्होंने बोला है कि सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट मेंटेन करना है गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा आपका प्रोडक्शन कॉस्ट फोर्टी परसेंट ऑफ मटेरियल है तो अगर आपको सही महीने में सेल्स और प्रॉफिट मेंटेन करना है तो आपको टोटल कॉस्ट मेंटेन करनी पड़ेगी और टोटल कॉस्ट मेंटेन करने के लिए सिक्सटी की तो कोई औकात ही नहीं है क्योंकि बिकॉज सिक्सटी इज डिपेंडेंट ऑन मटीरियल अरे तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं मटेरियल को ही 150 पे कंट्रोल कर लू तो 40% विल बी 60 टोटल विल बी 210 प्रॉफिट विल बी 42 सेलिंग प्राइस विल बी 252 तो बॉस 252 की सेलिंग प्राइस और 42 का प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए एक्चुअली मुझे मटेरियल 150 पे कंट्रोल करना जरूरी है ठीक है एक्सी की क्वांटिटी एक्स है सीएक्ससी की क्वांटिटी 1.25 एक्स है मैंने एक्सी की क्वांटिटी को उसकी प्राइस कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लिया सी एक्सी की क्वांटिटी को 75 से यानी कि उसकी कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एक्स की वैल्यू आ गई पॉइंट सेवन फाइव मतलब ए एक सी की क्वांटिटी पॉइंट सेवन फाइव मिली टोटल वन पॉइंट टू फाइव है मतलब सी एक्सी होगा बैलेंसिंग फिगर पॉइंट फिफ्टी और इन्होंने रेशो मांगा है इनपुट का जो जो हो होगा थ्री इस्ट टू एकदम सिंपल समझ में आया सो दैट वॉज योर अनदर क्वेश्चन अब बाकी क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, अगर बाकी क्वेश्चंस की बात करूं तो देखो बाकी तो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए ये एक लंबा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर सेवन था सिंपल पर दो ऑप्शंस थे होलसेलर से कोई भी क्वांटिटी मंगा सकते हो तो मेरा बस चले तो मैं तो यो की क्यों मंगाऊँ लेकिन फार्मर से सिर्फ स्पेसिफाइड क्वांटिटी मंगा सकते हो इसमें आपको बाइंग कॉस्ट का एक पार्ट डिस्कस करना जरूरी था मैं वो डिस्कस कर लेता हूँ देखिए ये आपकी बाइंग कॉस्ट थी और जहाँ भी बोला है सी आएगा वहाँ पर आएगा सी एस टी जी एस टी टैक्सेस जो भी है मेरी बात सुनिए अगर आपको क्रेडिट अवेलेबल है अगर आपको क्रेडिट अवेलेबल है अगर आपको क्रेडिट अवेलेबल है मतलब आपके जेब से पैसा नहीं जा रहा है आप जितना पैसा भर रहे हो आपको क्रेडिट मिल रहा है सो दैट मीज यू आर नॉट स्पेंडिंग एनीथिंग सो यू डोंट चार्ज इट टू द कस्टमर लेकिन अगर आपको क्रेडिट अवेलेबल नहीं है आपके जेब से खर्चा हो रहा है तो यू बेटर चार्ज इट टू द कस्टमर इस क्वेश्चन में वो पॉइंट नहीं था लेकिन मुझे ये डिस्कस करना था इसलिए मैं कर रहा हूं तो अगर इन्होंने बोला होता कि सी एस टी और जीएसटी जो भी है उसका अगर आपको इनपुट क्रेडिट मिल रहा है आई टी सी मिल रहा है तो इन दैट केस आई हैव इंक्लूडेड इट लेकिन अगर आई टी सी नहीं मिल रहा है तो फिर आई विल इंक्लूड इट तो फिर आई विल इंक्लूड इट आई होप यू गाइज है जो पर परचेज पर परचेज लिया है वो तो ऑर्डरिंग कॉस्ट था लेकिन ये जो दिया था आपको लोडिंग अनलोडिंग वो ध्यान से देखना पर फिफ्टी केजीज था वो पर परचेज ऑर्डर नहीं था इसीलिए मैंने लोडिंग अनलोडिंग को ऑर्डरिंग कॉस्ट ट्रीट नहीं किया है तो बाइंग कॉस्ट कैसे मिली परचेज प्राइस प्लस ड्यूटी टैक्सेस प्लस लोडिंग अनलोडिंग ऐसे आपको बाइंग कॉस्ट मिलती है अगर मुझे लोडिंग अनलोडिंग पर परचेज ऑर्डर दिया होता तो आई वुड हैव एडेड दैट टू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दिया पर परचेज दिया तो वो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है और पर के दिया तो इट इज़ ट्रीटेड एज बाइंग कॉस्ट तो मैंने इसको बाइंग कॉस्ट में ऐड कर दिया सेम चीज़ सारे कैलकुलेशन के लिए दिस वॉज अ प्योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें कुछ दिमाग लगाने जैसा था नहीं लास्ट में पूछा था आपको ऑलिव के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है तो मैंने होलसेलर और फार्मर का कंपैरिजन किया होलसेलर में कुछ भी मंगा सकते हो तो आई वुड ऑलवेज प्रीफर गोइंग फॉर इओ क्यू एंड मिनिमाइज माई कॉस्ट स्ट्रक्चर फार्मर का मैं उन्होंने स्पेसिफाई कर ली थी क्वांटिटी तो मैंने वो फॉमूला का अप्लाई कर दिया और मुझे पता चला फार्मर का ऑप्शन बेटर है फोर लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड कुछ और बचता है तो वी सिलेक्टेड फार्मर्स अ बीस यहाँ तक क्लियर है और ये था अपना ई कैलकुलेशन हाँ ई जैसा चलो सेफ्टी स्टॉक तो हम लोग ने उड़ा दिया कॉस्टिंग पार्ट भी उड़ा दिया बाइंग कॉस्ट में क्या क्या आता है बता दिया मैंने ये ई क्यू क्या है ई क्यू का मतलब इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी जैसे आप ये डिसाइड करते हो ना कि कितनी क्वांटिटी मटेरियल की ऑर्डर करनी चाहिए वैसे आप ये भी डिसाइड करोगे कि बैच साइज क्या होनी चाहिए अब यहाँ पे डी का मतलब होता है एनुअल प्रोडक्शन अब एनुअल प्रोडक्शन को आप पी भी मान सकते हो डी मान सकते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम में कुछ नहीं रखा है

फिर आप प्रीवियस प्रोसेस में अगर वर्कर्स ने कोई मेंटेनेंस इश्यू रिपोर्ट किया तो यू विल कॉल योर सर्विसिंग टीम गेट इट रेक्टिफाइड। बेसिकली यू डू एवरी सिंगल एक्टिविटी टू सी टू इट नेक्स्ट बैच इज प्रोसेस्ड विदाउट एनी इंटरप्शन राइट विदाउट एनी इंटरप्शन और सी फॉर कैरिंग कॉस्ट अब ये तो आएगा ही ना अगर रॉ मटेरियल को स्टोर करने का खर्चा आता है तो फिनिश गुड्स को भी स्टोर करने का खर्चा आ सकता है कंट्रोल टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है बिल्कुल पड़ सकती है क्यों नहीं पड़ेगी अच्छा पैसा मेरा सिर्फ मटेरियल ख़रीदने में ब्लॉक होता है फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद प्रोडक्शन कॉस्ट के तौर पर भी तो ब्लॉक होता है फिनिश गुड्स खरीदने के टाइम पे प्रोडक्शन कॉस्ट के तौर पर भी तो पैसा ब्लॉक होता है और रही बात ब्लॉकेज की तो ब्लॉक होता ही है ना पैसा और फिनिश गुड्स भी आउटडेटेड हो सकता है ऑप्सलिट हो सकता है तो कैरिंग कॉस्ट दोनों में सेम है दोनों में आती है ये फार्मूला यूज़ करो आपको मिलेगा ई बी क्यू इकनॉमिक बैच क्वान्टिटी और अगर ई बी क्यू आप एग्जीक्यूट करते हो ई बी क्यू अगर आप प्रोड्यूस करते हो एक झटके में इतने यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करते हो तो आपकी टोटल सेटअप कॉस्ट टोटल कैरिंग कॉस्ट के साथ मैच हो जाएगी सेम रूल बीक्यू से ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ेगा ईबी से कम प्रोड्यूस करोगे तो भी कॉस्ट स्ट्रक्चर बढ़ेगा सो ईबी पे रखना आपके लिए सेफ है इज दिस दिस पार्ट क्लियर अबाउट योर बैच प्रोसेसिंग फिर हम लोग ने स्टॉक लेवल डिस्कस कर लिया सेफ्टी स्टॉक भी डिस्कस कर लिया स्टॉक वैल्यूएशन पार्ट यू हैव ऑलरेडी डिस्कस उसमें ज्यादा डिस्कस करने जैसा कुछ नहीं है फीफो L4 का कैलकुलेशन इट वॉज वेटी सिंपल। ए बी सी एनालिसिस ये कहता है कि जब आप अलग अलग टाइप के मटेरियल स्टोर करके रखते हो तो उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करो क्लास ए शुड हैव दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल विच टुगेदर कंट्रीब्यूट 70% परसेंट ऑफ द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर क्लास सी विल हैव दोस्ट स्ट्रक्चर दोज मटीरियल्स विच टूगेदर कॉन्ट्रीब्यूट परसेंट ऑफ द ओवरऑल कॉस्ट स्ट्रक्चर एंड बी टोटल कंसेप्ट आगे जाके ये कहता है कि अगर आप क्लास ए मटीरियल स्टोर कर रहे हो तो इट शुड नॉट बी मोर देसेंट ऑफ द्वानिटी क्लास सी वाला जो मटीरियल क्या मतलब क्या है सी अंडरस्टैंड नाक खोल के अच्छी तरह से सुनना है Insignificant quantity loss of a costly material can be more than significant quantity loss of a cheaper material. Negligible quantity loss of costly material can be more than a significant quantity loss of cheaper material. Wala material ka chota sa hissa bhi aapko loss de sakta hai as compared to सस्ते वाले मटेरियल का लार्जर पोर्शन घर पे जाओ घर पे हो ना एक नमक का डब्बा गिराओ घर पे अभी एक किलो का नमक का डब्बा रहेगा घर पे गिरा दो कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा कुछ ज्यादा बवाल नहीं होगा फिर एक आइडिया देता हूँ फ्रिज खोलना उसमें से वो सैफरेन होता है ना सेफ्रेन केसर केसर ऐसा छोटा सा डब्बा रहेगा एक ग्राम का उसमें से एक चुटकी केसर लेके फेर दो हवा में फिर पता चलेगा एक चुटकी की केसर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू मम्मी जो जूते मारेगी ना भूल नहीं पाओगे कंसेप्ट कभी लाइफ में क्योंकि केसर महंगा है तो उसकी क्वांटिटी कम होती है सॉल्ट सस्ता है तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है एक चुटकी केसर की कीमत विल बी वे अबाव दैट एंटायर वन के ऑफ सॉल्ट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ जार वो डब्बे का कॉस्ट भी ऐड करोगे ना तो भी वो केसर की कॉस्ट पर नहीं पहुँचेगा क्योंकि केसर महंगा होता है इसलिए होता सभी के पास है पर कोई दिखाता कोई नहीं सब छुपा के रखता है फ्रिज में रखते हम लोग बिकॉज इट इज कॉस्टली इन सिग्निफिकेंट नेग्लिजिबल क्वांटिटी लॉस ऑफ केसर सैफरिन कैन बी यूज कैन बी मोर देन द सिग्निफिकेंट क्वांटिटी लॉस ऑफ सोल्ट तो महंगे मटेरियल की क्वांटिटी कम सस्ते मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा यह था आपका एबीसी एनालिसिस थ्योरी में यह सब कुछ लिखा है आप देख सकते हो सो बेसिकली दैट वॉज अबाउट योर मटेरियल कॉस्टिंग टॉपिक गाइज बस ये सिर्फ याद रखना ये क्वेश्चन में बेसिक कस्टम ड्यूटी क्रेडिट इज नॉट अलाउड क्रेडिट नॉट अलाउड मतलब आपके जेब से पैसा जाएगा कस्टमर को चार्ज करो आपके जेब से पैसा नहीं जा रहा है क्रेडिट इज अलाउड आपका जेब से पैसा नहीं जा रहा है तो आपको कोई हक नहीं बनता कस्टमर को पैसा चार्ज करने का अगर टेन परसेंट नहीं दिया होता ट्वेंटी थाउजेंड फोर हंड्रेड को मैं हंड्रेड इज टू हंड्रेड एंड फोर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता अगर ड्यूटी और टैक्सेस का ब्रेकअप नहीं दिया है तो मटेरियल की वैल्यू का रेशियो यूज करके उसका ब्रेकअप कर लो ट्रांसपोर्टेशन हमेशा क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो क्वांटिटी रेशियो में हम लोगों ने फ्रेट को अलोकेट कर दिया दैट वाज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी जितनी भी होगी माइनस कर लो ये प्रोविजन दिया था प्रोविजन मतलब एक्सपेक्टेड है जब आपको लॉस एक्सपेक्टेड होता है तभी उसको प्रोवाइड करते हो ना मतलब ये नॉर्मल लॉस है एक्सपेक्टेड लॉस नॉर्मल लॉस तो टू परसेंट भी मैंने माइनस कर दिया एबनॉर्मल लॉस अगर इस कैलकुलेशन में आता है तो उसको पूरे कैलकुलेशन में इग्नोर कर दो मटेरियल कॉस्टिंग में ये इस टाइप के क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेशन के लिए नहीं आना चाहिए और आपको एंड ऑफ द कैलकुलेशन पता चला होगा दस के बदले बारह पॉइंट समथिंग चार्ज कर रहे हो और थर्टीन के बदले फिफ्टीन पॉइंट समथिंग चार्ज कर रहे हो दैट मींस बर्डन इज बोर्न बाय द कस्टमर नॉर्मल लॉस का बर्डन कस्टमर ने बेर किया ये होता है कॉस्टिंग कॉस्ट कैलकुलेशन बस तो फिर दोस्तों हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया मैंने आपको बोला था कि मैं क्या क्या रिवाइज करवाऊंगा मैंने बोला था ना आपको क्या क्या रिवाइज करवाऊंगा देख लो देख ले एबीसी एनालिसिस जो कहते स्टॉक वैल्यूएशन में टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है आपको पता है फीफो लीफो कैसे मैनेज करना है दैट इज नॉट बिग डील सरप्लस होगा तो रिसीड ट्रीट करो शॉर्टेज होगा तो जिस डे को शॉर्टेज पता चलता है उस दिन का इशू प्राइस मार के लिफो के हिसाब से वैल्यू कर देना स्टॉक वैल्यूएशन तो यार हम लोग ने पूरा मटेरियल कॉस्टिंग डिस्कस कर लिया है जेके सी के जितने भी क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए अब होमवर्क uh, क्वेश्चन भी एक था जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा था वो भी मैंने डिस्कस कर लिया अभी मुझे नहीं लगता कि मटेरियल कॉस्टिंग में कुछ पेंडिंग है तो बच्चों ऑल द बेस्ट अच्छे से करना और कोई भी डाउट होगा बिना दिक्कत हम लोग को कॉन्टेक्ट करो वी आर देर हाथ मत छोड़ना साथ मत छोड़ना हम लोग हैं तुम लोग के साथ टेंशन मत लो सो वी विल बी देर टिल द लास्ट डे इवन आफ्टर दैट सो डोंट वरी अबाउट इट इज दैट पार्ट क्लियर देखो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज बीइंग टेकन केयर ऑफ थैंक यू सो मच गैस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो Have a nice time. See you soon.